हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रॉम माय व्यू। आज मैं बनाने जा रही हूँ लिट्टी चोखा, जो कि यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और इसके साथ में बनाई जाती है पुदीने की चटनी, जो कि इसका स्वाद दो गुना बढ़ा देगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बिहार स्टाइल में लिट्टी चोखा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिट्टी के लिए एक डो तैयार करके रख देंगे, और इसको हम जब तक हमारी सारी प्रिपरेशन होगी तब तक ये सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो आटा ले लिया है मैंने, लगभग ये 1 किलोग्राम है, और इसके अंदर मैं 3 बड़े चम्मच घी डाल रही हूँ जो मोयन के लिए, और इसमें डालना है 1.5 चम्मच नमक। नमक आपके स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। अब हम आटा, घी और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने सबको। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक डो तैयार करेंगे। इस आटे को हमें एकदम सख्त भी नहीं लगाना है और रोटी के आटे की तरह सॉफ्ट भी नहीं लगाना है, दोनों के बीच का मीडियम हमको आटा लगाना है। ये देखिए, ये हमारा ना सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है, इस तरीके का हमको आटा लेना है। इसको हम रख देते हैं साइड में ढककर। अब हम चोखे की तैयारी करेंगे। तो चोखे के लिए मैंने 4 बैंगन लिए हैं, 6 आलू लिए हैं और 2 टमाटर लिए हैं। ये आलू को हमें बॉईल कर लेना है और टमाटर और बैंगन को हमें रोस्ट करना है। इनको हमें रोस्ट करना है, तो ये चूल्हे के ऊपर आप एक जाली ले लें या फिर ऐसा ही कोई स्टैंड ले लें और इस तरीके से इसके फ्लेम के ऊपर रख दें। अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे, और अब हमें क्या करना है, जो बैंगन टमाटर हैं उनको हमको इसके ऊपर रोस्ट करना है। तो हम इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे, इससे क्या होगा कि जल्दी से पक जाएंगे और इनकी जो स्किन हमको निकालनी है बाद में वो आसानी से निकल जाएगी। तो ये मैंने ऑयल लगा दिया है इसके ऊपर। अब एक एक करके हम इस तरीके से इस पर रखते जाएंगे, ऑयल लगाते जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से सबको लगा देते हैं हम, और ये मैंने सबको ऑयल लगाकर इसके ऊपर रख दिया है। अब हमें इसे पलटते जाना है थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि ये एक जगह से जले नहीं। तो इसे पलटते जाएं, हमें इन्हें बार बार पलटते जाना है। और ये देखिए, जो बैंगन है ये अच्छे से पक चुका है एक साइड से, तो इनको इसी तरीके से पलटते जाएं। और जब ये ऐसे ही ब्लैक होने लगे, इसका मतलब है कि हमारे बैंगन और टमाटर अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। दोस्तों, हम चोखा पहले बना रहे हैं लिट्टी से, क्योंकि जब हम चोखा बना के रख देंगे और जब तक हमारी लिट्टी बनेगी ना, तब तक इसमें जो भी हम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे चोखे में, उसके फ्लेवर सारे एक साथ निकल के आते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। इसलिए हम चोखा पहले बना रहे हैं। अगर आप भी घर पर ट्राई करें ना, तो पहले चोखा बनाकर रख दें, उसके बाद आप लिट्टी तैयार करें। ये देखिए, हमारा टमाटर जो है वो रोस्ट हो चुके हैं, तो इनको मैं निकाल लेती हूँ और इनको एक प्लेट में रख देते हैं। दूसरा टमाटर भी ले लेते हैं और इसको प्लेट में रख देते हैं। ये देखिए, बैंगन भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं, इनको भी हम प्लेट में रख लेंगे अब, और इनको हम ठंडा होने देंगे। और तब तक हम इसके जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए इसमें मसाले के लिए, वो अब तैयार कर लेते हैं हम। तो उसके लिए मैंने 3 प्याज लिए मीडियम साइज़ के, इनको बारीक कट कर लिया है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 3 बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक, और ये 6 लहसुन की कली है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें लिट्टी और चोखा दोनों में ऐड करने हैं। तो इनको मैं सबसे पहले क्रश कर लूँगी इन्हें। तो एक मोटर और पेसल ले लेते हैं इनको क्रश करने। ये क्रश क्यों करना है मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो पहले हम इन सभी को इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा क्रश करना है। तो हम इनको क्रश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम लिट्टी और चोखा में इसको ऐड करेंगे तो इसके जो फ्लेवर्स हैं वो अच्छे से उसके अंदर मिक्स हो जाएं। तो इन सभी को थोड़ा सा क्रश कर लिया है, अब इन्हें साइड में रख देते हैं और चोखे की प्रिपरेशन करते हैं। उसके लिए जो बैंगन और टमाटर को हमने रोस्ट किया था, ये थोड़ा ठंडे हो गए हैं, इनकी सारी स्किन हम जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रही है ना, इनको सबको निकाल लेंगे।
बैंगन के ऊपर से स्किन निकालने के बाद इसकी जो पीछे की डंडी होती है इसे हम कट कर लेंगे। तो ये सारे टमाटर और बैंगन की मैंने स्किन निकाल ली है और अब हमने जो आलू बॉईल किए थे इसमें डाल देते हैं। और हमने जो इंग्रेडिएंट्स अभी क्रश किए थे उसको हम आधा इसमें डाल देंगे और आधा हम बचा लेंगे क्योंकि हम इसको लिट्टी में यूज़ करने वाले हैं। तो आधा मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। इसमें डालेंगे हम 1.5 चम्मच नमक, नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और इसमें मैं 3 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल रही हूँ। बिहार में सरसों का तेल सबसे ज़्यादा खाया जाता है इसलिए लिट्टी चोखा में सरसों का तेल ही यूज़ किया जाता है। आप चाहें तो दूसरा तेल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर और इनको सबको अच्छे से मैश कर लेना है। इस तरीके से मैश करना है कि ये सब एक साथ एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए ये हमारा चोखा बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए लग रहा है ना बहुत टेम्पटिंग। तो चलिए हमारा चोखा भी तैयार है, अब हम लिट्टी की तैयारी करेंगे। तो लिट्टी के लिए मैंने पहले ही डो तैयार करके रख दिया था। तो ये देखिए इसका डो तैयार है, अब इसकी फिलिंग की तैयारी करेंगे। तो ये लेना है हमको सत्तू। सत्तू बेसिकली काले चने को भून कर उसको पीसा जाता है तो ये सत्तू तैयार होता है। तो ये सत्तू मैंने 100 ग्राम लिया है लगभग, इसको हम इसमें डाल देते हैं। अभी सत्तू में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। नमक ये ध्यान रखना है कि नमक हमने पहले आटे में भी मिक्स किया है। अब इसमें डालेंगे हम 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 पिंच हींग। हींग मस्ट है डालना क्योंकि ये थोड़ा हेवी होता है खाना, तो इसमें हींग जरूर डालें, डाइजेशन में अच्छा रहता है। अब हमने जो ये क्रश करके इंग्रेडिएंट्स रखे थे हाफ हमने चोखे में डाल दिए थे, हाफ हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए ये क्रश करने से इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और जब हम लिट्टी में इसको भरेंगे ना तो लिट्टी हमारी फटेगी नहीं, ये बेनिफिट था इससे। अब इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है अचार का मसाला। ये स्किप नहीं करना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी अचार का मसाला ले सकते हैं इसके अंदर और अब हम सबको मिक्स कर देते हैं। तो ये लीजिए हमारा जो लिट्टी की स्टफिंग है बिल्कुल तैयार है, अब लिट्टी बना लेते हैं। तो ये डो जो हमने तैयार करके रखा था, थोड़ा सा आटा हम ले लेंगे। तो ये आटा लेकर इसको इस तरीके से पेड़ा बना लेना है, एक इस तरीके से। और अब हम इसे एक कटोरी का शेप देना है इसको। तो इसके किनोर से हम इसे पतला करते जाएंगे, बीच का पार्ट इसका थोड़ा सा मोटा रहना चाहिए क्योंकि हम इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे तो ये बाहर फटनी नहीं चाहिए लिट्टी। तो इस तरीके से इसको एक कटोरी का शेप दे देते हैं, ये देखिए। और ये हमारी जो स्टफिंग है ये हम ले लेते हैं। ये सूखी नहीं होनी चाहिए, अगर आपको थोड़ी सी ये सूखी लग रही है तो इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये स्टफिंग लेकर हम ये लिट्टी के अंदर इस तरीके से फिल कर देंगे इसको, ये देखिए। अब इसको हम पैक कर देंगे। अच्छी तरीके से हम इसको पैक कर देंगे और ये जो आटा ऊपर एक्स्ट्रा निकल रहा है इसको हम तोड़ लेते हैं और इसको दोनों हाथों से अच्छे से गोल गोल कर लें, अच्छा सा राउंड शेप दे दें। और ये लीजिए हमारी लिट्टी जो है वो तैयार है। तो ये देखिए ये हमारी लिट्टी तैयार है। अब हम इसी तरीके से सारी लिट्टी बना लेंगे। लिट्टी की साइज़ छोटी ही रखें क्योंकि ये छोटी साइज़ रहेगी तो जल्दी से पक भी जाएगी और अगर आप बड़ी साइज़ करेंगे तो अंदर से कच्ची भी रह सकती है। तो उसी तरीके से सारी लिट्टी हमने तैयार कर ली है, अब हम इसे बेक करेंगे। तो उसके लिए एक ओवन लेंगे और जिनके पास ओवन नहीं है उन्हें भी मैं बताऊंगी कि बाद में किस तरीके से आप बिना ओवन के भी लिट्टी बेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक ओवन ले लेते हैं। तो इसके अंदर हम सारी लिट्टी को रख देंगे। इसको मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया था, मतलब पहले ही थोड़ा मैंने गर्म कर लिया है इसको और इसके अंदर हम लिट्टी रखते जाएंगे। अब इसका हम ढक्कन लगा देंगे और इसको थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहेंगे ताकि ये जले नहीं
और ये देखिए पकने लग गई हमारी लिट्टी और ये फटने भी लग गई है, इसका मतलब ये बहुत अच्छे से बेक हो गई है। आप इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकने दें। और ये देखिए हमारी सारी लिट्टी बनकर तैयार है एकदम, और इन्हें हम निकाल लेते हैं इसमें से। अब चलिए मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ कि अगर आपके पास ओवन ना हो तो किस तरीके से आप लिट्टी को पैक कर सकते हैं। तो आप एक कढ़ाई या एक पैन ले सकते हैं और इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और घी को पिघलने दें, इसे इस तरीके से पैन पर फैला लेंगे। और अब हम इसके अंदर लिट्टी रखते जाएंगे। ये तरीका उनके लिए है जिनके पास ओवन नहीं है, इसमें भी बहुत अच्छे से पकती है लिट्टी। तो ये सारी लिट्टी मैंने इसके अंदर रख दी है। अब इन सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा घी लगा दें ताकि ये चिपके नहीं इसके अंदर और जले नहीं। थोड़ा सा हम घी लगा देते हैं, उसके बाद इसको ढक देना है और लो फ्लेम पर ही इनको पकने देना है। तो ये अच्छे से अंदर तक पक जाएगी। ये देखिए लिट्टी हमारी पकने लग गई है। तो ये देखिए वाओ, इसके अंदर भी कितने अच्छे से लिट्टी पक गई है। मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया था बाद में। अब सारी लिट्टी के ऊपर इस तरीके से घी लगा लें और इनको फोड़ कर लगाएं ताकि इनके अंदर तक अच्छे से घी चला जाए। तो ये सब पे हम घी लगा लेते हैं। इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जब आप घर पे ट्राई करेंगे तब आपको पता चलेगा। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप घर में ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा खाने में। तो ये लीजिए हमारी लिट्टी भी तैयार है। अब हम पुदीने की चटनी बनाएंगे। उसके लिए मैंने ले लिया है थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, और इसमें हम डालेंगे नमक हाफ टी स्पून, और एक पूरा नींबू का रस इसमें डालेंगे हम, थोड़ा सा पानी, और इसको बारीक पीस लेना है। ये देखिए, और ये हमारी पुदीने की चटनी भी तैयार है। तो हमारा लिट्टी चोखा और चटनी सब कुछ तैयार है, अब हम सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसके खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है लिट्टी चोखा और पुदीने की चटनी। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आप मेरी बताई गई रेसिपीज़ घर पर ट्राई करते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर एक पिक लेकर टैग कर सकते हैं, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।